विज्ञापन में चित्रगुप्त जी का एक तरह से अपमान है और उनको उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जैसे भगवान को रिश्वत दी जा रही है, इस तरह का ये ऐड दिया और अपना पेट भरने के लिए और घी को बेचने के लिए अगर वो भगवान का इस्तेमाल करके उनके नाम का अपमान करते हैं तो हम कायस्थ लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायस्थ समाज ने नमस्ते इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू भावनाओं को भड़काने वाले विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग। गुरुग्राम की घी निर्माता कंपनी नमस्ते इंडिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति अजमेर के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार माथुर और सचिव अतीश माथुर के नेतृत्व में कायस्थ समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर नमस्ते इंडिया कंपनी द्वारा अपने उत्पाद के प्रचार के लिए हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को भड़काने वाले विज्ञापन को तत्काल रोकने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुग्राम की घी निर्माता कंपनी नमस्ते इंडिया द्वारा अपने घी के उत्पाद को बेचने के लिए जो विज्ञापन बनाया गया है उसमें हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख भगवान धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और यमराज जी को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करते हुए अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएँ आहत हो रही हैं। इस विज्ञापन को तत्काल रोका जाए और घी निर्माता कंपनी के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर सभी समस्त कायस्थ परिवार यहाँ पर ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को और पूरे देश में ही एक तरह से रोष है कायस्थों में। जिस तरह आज चित्रगुप्त जी को एक इंडिया नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो उसने जो घी का देशी घी का जो ऐड कर रखा है तो विज्ञापन में चित्रगुप्त जी का एक तरह से अपमान है और उनको उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जैसे भगवान को रिश्वत दी जा रही है, इस तरह का ये ऐड दिया और अपना पेट भरने के लिए और घी को बेचने के लिए अगर वो भगवान का इस्तेमाल करके उनके नाम का अपमान करते हैं तो हम कायस्थ लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि चित्रगुप्त जी वो हैं जो सभी के भाग्य का लेखा जोखा ऊपर करते हैं और वो लेखा जोखा करने वाले सिर्फ यही नहीं कि कायस्थों का ही करते हैं, वो सभी का करते हैं। तो सभी को इस चीज़ का साथ देना चाहिए और इस तरह कोई भी देवी देवता हो, हिंदू के देवी देवताओं का या कोई भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। अगर वो इस तरह करते हैं तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके इसके कार्रवाई चाहते हैं ताकि पुनरावृत्ति इस तरह की दोबारा से ना हो।